अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट होता हुआ दिखाई देगा, स्केल देखने को मिलेगा और वही इस समय दरअसल बाजार भुनाने की कोशिश में। शुक्रिया कहते हैं इस अपडेट के लिए। तो ये देखिए एक्शन जो अच्छा खासा चल रहा है इन रेल कंपनियों में, लेकिन फंडामेंटली अभी भी वैल्यू कहाँ पर है, कहाँ पर मौका है खरीदारी करने का या फिर किसी तरह की पोजीशन लेने का। शर्मिला जोशी हमारे साथ जुड़ गई हैं। शर्मिला आफ्टरनून, आपने इनफैक्ट सुना होगा वो तमाम हाइलाइट्स जो रेल सेक्टर के एक्शन का व्याख्या यतिन दे रहे थे, लेकिन अगर आपने इस समय दाव खेलना है इन रेल कंपनियों में, आपका प्रिफर्ड ट्रेड क्या रहेगा? काफी इंटरेस्टिंग जो इन्फॉर्मेशन और चर्चा आपकी चल रही थी वो मैंने सुनी, और मुझे लगता है कि दो तीन ऐसे स्टॉक्स है जहां पर मेरी नजर होगी। एक तो ऑब्वियस है IRCTC, मैंने शायद इसको पहले रेकमेंड किया है। मेरे हिसाब से ये जो साल है वो IRCTC के बहुत बेहतर साल रह सकता है, गिवन द फैक्ट कि लोग ज्यादा ट्रैवल करेंगे वो तो है ही, लेकिन उनके जो दो तीन स्ट्रीम बिजनेसेस के बंद है ये कोविड के दौरान वो फिर से चालू होंगे, और जो नए ट्रेन की वो बात कर रहे थे फॉर टूरिज्म, जो पूरा बैक बर्नर पे सब चला गया था गिवन द फैक्ट कि हम एक दूसरे ही इससे गुजर रहे थे, लेकिन ऑल दोस प्लान्स विल बी नाउ बैक ऑन ट्रैक और उनकी मोनोपोली तो रहेगी। आई थिंक अनदर वेरी इंटरेस्टिंग स्टॉक इज रेलटेल। आई हैव एक्चुअली वेरी रिसेंटली टेकन अ लुक एट इट और मुझे लगता है कि यहाँ इनका जो बिजनेस है और जिस वैल्यूएशन पे ये मिल रहा है वो दोनों मुझे काफी अट्रैक्टिव लग समय में। एंड अ थर्ड स्टॉक आई थिंक वुड बी टू मोर स्टॉक्स, आई वुड से कॉनकॉर्न वुड बी वन, क्योंकि मुझे लगता है कि इट इज डायरेक्टली लिंक्ड विद जिस तरह से पूरी इकोनॉमी आगे चलकर बढ़ेगी और जरूरत पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट, तो वो एक सॉर्ट ऑफ इंफ्रा और रेल इस तरह का मिला जुला प्ले है तो कॉनकॉर्न। इत्तेफाक से देखिए आरवी, हम रेलवे कंपनियों की बात करें और RVNL के हाथ दरअसल एक 137 करोड़ का ऑर्डर हाथ लगा है। स्टॉक करीब करीब 2-3% की बढ़त दिखा रहा है। RVNL भी स्क्रीन पर आ जाएगा, सॉरी 8% भाग गया है 46 के लेवल्स पर। भरपूर कंपनियां हैं रेलवे जो में जो काम कर रही हैं मानस, टेक्निकली क्या पसंद है आपको और RVNL पर कोई खास टिप्पणी? 46 रुपीस का शेयर 8% ऊपर। देखिए अगर हम RVNL की बात करें तो यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया मूव देखने को मिला है। अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट में देखेंगे तो 44 रुपए के ऊपर का ब्रेकआउट है, तो ये पूरा करेक्शन देखने को मिला, उसके बाद हम स्टॉक ने हाइस को ब्रेक किया। इसके जो टारगेट है वो करीब करीब 54 रुपीज तक के आते हैं। करंट लेवल से भी 10 रुपए का आपको देखने को मिलेगा, लेकिन गिरावट पे खरीदारी करने की राय रहेगी 39 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन मेरी पसंद मॉर्निंग में मैंने मेंशन किया था, रेलटेल एक ऐसा स्टॉक है जिसने अभी तक कोई बहुत बड़ा मूव नहीं दिखाया है, लेकिन इसमें पोटेंशियल बहुत लगता है। अगर थोड़ा सा लंबा समय ले तो शायद स्टॉक 145-150 तक के स्तर को भी टच कर सकता है। यहाँ पर भी खरीदारी करने की राय रहेगी 113 रुपए, क्योंकि 20 डे मूविंग एवरेज है, उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस।